दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि कैसे आप आरोग्य सेतु ऐप को यूज करके पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है या नहीं, और आप इस ऐप की मदद से खुद का टेस्ट कैसे कर सकते हैं और खुद का टेस्ट करके कैसे पता कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आप स्वस्थ हैं। पूरा ए टू जेड जितना भी ट्यूटोरियल है, जितने भी इसके काम हैं, सब कुछ आपको पूरा आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप इससे अच्छी तरह समझ पाएँ और आप अपनी डेली लाइफ में इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐप आपकी सुविधा के लिए 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको जो भी भाषा अच्छी तरीके से आती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, और अब यहाँ से आपको कुछ इस ऐप के फीचर्स बताए जाएंगे, यानी जो विशेषताएँ इसमें दी गई हैं जिसकी मदद से आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं, ये सब आपको इस ऐप में बताई जा रही हैं। तो आपको इसे नेक्स्ट यानी स्वाइप करना है, और स्वाइप करने के बाद नीचे आएगा रजिस्टर करें का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा जो जिस पर लिखा है मैं सहमत हूँ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और अब ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, यानी जैसे लोकेशन की, स्थान की, ब्लूटूथ की, GPS की, तो आपको इसे ऑन कर देना है क्योंकि इन्हीं यही जो विशेषताएँ ऐसी हैं जिनसे ये पता लगाता है कि हमारे चारों तरफ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं या कोरोना निगेटिव व्यक्ति हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप इसे अलाउ करेंगे, आपसे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा, और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं। जब आप अपना नंबर इस ऐप में डाल देंगे तो कुछ OTP आएगा एक, और OTP जैसे आप इसमें फिल करते हैं, ये ऐप आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस पिन हो जाएगा, यानी अब आपका जो ऐप है, एप्लीकेशन, वो खुल चुका है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर लिखा हुआ है आपकी स्थिति यहाँ पर, और इसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड पर मीडिया, और तीसरा लिखा हुआ है कोविड अपडेट्स और ई पास। तो पहले तो आपकी स्थिति जहाँ लिखी हुई है यहाँ पर, पहले आपका जो आपकी एरिया बताएगा कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, और सेकंड लिखा हुआ है मीडिया। अगर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो मीडिया में जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सारे हीरोज़ ने जो अपने अपनी राय दी है सोशल मीडिया पर, वो आपको इनकी राय दिखाई जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस मीडिया के ऑप्शन पर सामान्यतः आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के टिप्स और ट्रिक बताए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपका ऑप्शन है कोविड अपडेट्स, यानी कोविड यानी कोरोना अपडेट जिसे आप बोलते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप जान पाएंगे कि आपके प्रदेश में कितने लोग कोरोना ग्रसित हैं, कितने लोग कोरोना से स्वस्थ हैं, और कहां पर कितने, किस राज्य में कितने इसके मरीज हो गए हैं, और ये बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से पूरा बताया जाएगा कि इसके अपडेट किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर आप कई सारे इसके अपडेट देख सकते हैं, एक था, दो था, फिर ऐसे ऐसे सब कुछ इसमें आपको कोरोना के बारे में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ई पास, तो यहाँ पर ई पास का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये आने जाने के लिए है, तो यहाँ पर इशूड है, ई पास यहाँ पर नहीं बना है। फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं आपकी स्थिति वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन के माध्यम से आप जान पाएंगे स्वयं को कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको पुनः टेस्ट करें, इस पर एक बार क्लिक करना है, और इसे है ठीक है समझ गए। अब यहाँ से आपसे कुछ इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न जिन्हें आप बोलते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसका सही सही उत्तर देना है। इसमें पहले पूछ रहा है कि आपको खांसी, जुकाम, बुखार कुछ है, तो नहीं मुझे कुछ नहीं है। तो यानी जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपको सही सही आंसर देते जाना है। जब आप सारे आंसर दे देंगे तो यहाँ पर
आपसे देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जब आप सब कुछ आंसर दे देंगे तो यहाँ पर पहले आपको बता दिया जाएगा अंत में कि आपके संक्रमण का कम जोखिम है, यानी कि ये कुछ जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से आपको बता देगा कि आपके क्षेत्र में कोरोना वायरस यानी आप में कोरोना वायरस है या नहीं। और होगा तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और जब होगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सरकार को बताने का। तो सरकार को जब आप बताएंगे सूचना देंगे तो उसे क्या होगा, आपकी टेस्टिंग होगी जो लैब में, और अगर उसमें पॉजिटिव निकलेगा तो आपको किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ से ये फैल ना सके। तो इसे आप अपने टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं और भी कई सारे फीचर्स हैं, यानी जैसे रेड अलर्ट, कई सारे इसके फीचर हैं। तो इन सारे फीचर्स के बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।